आई वॉज रिकनेक्टेड आज द सेवन प्रिंस का एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं लॉयड ने अपना एक पेट बना लिया था जो जंगल से आते वक्त उनका पीछा कर रहा था। उसे लॉयड का इशारा कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए शिल्पा बोलती है मैं ऐसे किसी को जानती हूँ जो इसे ठीक कर सकता है। शिल्पा यहाँ पर एलिस के बारे में बताती है जो किंगडम का 6 प्रिंसेस थी। लॉयड अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी जगह में जाता है। हम देखते हैं उसकी सिस्टर को नेचर से काफी ज्यादा प्यार है और वो राजगद्दी के लिए झगड़ा भी नहीं कर रही है किसी के साथ। तभी वहां पर एलिस भाग कर आकर लॉर्ड को पकड़ लेती है और उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगती है, जिस वजह से लॉयड बेहोश हो जाता है। एरिस एलिस के ऊपर गुस्सा करने लगती है, वो तुम्हारा भाई है। एलिस बोलती है वो क्यूट था ना, इसलिए मुझे पप्पी देने का मन किया। एलिस का नजर लॉर्ड की पेट के ऊपर जाता है और वो बोलती है क्या तुम इसके वजह से मेरे पास आए हो। लॉर्ड बोल दे हाँ ये मेरा न्यू पेट है, लेकिन आपको कैसे पता चला ये एक बियरवुल्फ है। एलिजा बोलती है ब्यूरोल्फ का माना कुछ अलग ही है, इसलिए मुझे महसूस हुआ, और उसके पास जाकर उसे प्यार करने लगती है। तभी लॉर्ड बोलता है प्रिंसेस एलिस क्या हम तुम्हारे पेट को देख सकते हैं। एलिस बोलती है हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल तुम्हारे पीछे है। वो दोनों फ्यूनरल को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है उसका नाम है लेरो। वहां पर किसी को भी पता नहीं चला उसने कब कमांड दिया था फ्यूनरल को यहाँ पर आने के लिए, कि लॉर्ड ने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। लॉर्ड बोलता है मैं भी अपनी पेट के साथ ऐसे ही बात करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखा सकती हो उनके साथ मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है। एलिस बोलती है हाँ तुम तुम्हारे पेट के साथ कम्युनिकेट कर तो सकते हो, लेकिन उसका पहला रूल है प्यार। और तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और प्रिंस एलिस के आसपास मंडराने लगते हैं। एलिस बोलती है अगर तुम दिल से किसी को बुलाओगे तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। एलिस बोलती है ये सब बकवास बातें हैं, जिसे सुनकर एलिस गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर सारे जानवरों को छोड़ देती है प्यार का ताकत दिखाने के लिए। अभी हम देखते हैं सारे जानवर एलिस और एलिस के कपड़े के अंदर घुस जाते हैं। लॉर्ड के आसपास भी बहुत सारे पेट मंडरा रहे थे। लॉर्ड बोलते है तो ये सब ऐसे होता है, जिसे सुनकर शिल्पा बोलती है क्या लॉर्ड लव के ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, शायद यही प्यार है। शिल्पा अपने मन में सोचती है लॉर्ड उसे बोल रहे शिल्पा मुझे प्यार के बारे में सिखाओ। शिल्पा बोलती है हाँ बिल्कुल। अभी लॉर्ड बोलता है मुझे पता चल गया तुम अपनी पेट के साथ कैसे बात करती हो, मैंने तुम्हारे दिमाग के अंदर माना रिड्यूस को देखा, इसका मतलब तुम बिना जाने सभी को कमांड दे रही थी। लॉर्ड भी ये करने लगता है और वो अपनी माइंड को अपनी पेट की माइंड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे कमांड देने लगता है दौड़ो भागो मेरे पीछे घूमो, और उसे भोंकने के लिए बोलता है। और लॉर्ड जो जो ऑर्डर दे रहा था उसका पेट उसका बात मान रहा था। सब देखकर लॉर्ड उसके पेट को जाकर गले लगा लेता है और वहां पर सभी लोग शॉक में ही खड़े थे अभी तक। एलिस बोलती है नहीं तुम गलत हो, ये प्यार ही तो है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। लॉर्ड बोलते है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो वो तुम्हारे बात क्यों मानते, जिसे सुनकर सभी लोग सरप्राइज होते हैं। फिर लॉर्ड पेड़ के साथ खेलता है और कैसल की तरफ निकल जाते हैं और शिल्पा और लॉर्ड स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए जाने लगते हैं। तभी प्रिंस एल्बर्ट आकर बोलते हैं नहीं तुम मेरे साथ जाओगे, इस वजह से शिल्पा उनके साथ झगड़ा करने लगती है। लॉर्ड बोलता है एल्बर्ट तुम्हें मुझसे क्या काम था। एल्बर्ट बोलता है मैं तुम्हें अपना भाई चौथा प्रिंस को मिलाने वाला हूँ, और ये कहते ही वहां पर एक खट्टा खट्टा बंदा आ जाता है और वही था फोर्थ प्रिंस डियान। डियान इसलिए यहाँ पर आया था कि उसने सुना था लॉर्ड एनहांसमेंट कर सकता है स्वाट के साथ। एल्बर्ट बोलता है डियान एक ब्लैक्समिथ है।
और जो वो जब 10 साल का था उसका टैलेंट सबके सामने आया और वो पढ़ने के लिए बाहर चला गया, इसलिए वो स्वॉर्ड इन्हांसमेंट को देखने के लिए यहाँ पर आया है। लॉर्ड बोलते हैं, फाइनली आप तो आ ही गए, फिर हम मजे करेंगे मिलकर। इसे सुनकर डियन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अभी के अभी काम पर लगो, पहले स्वार्ड को इनहांस कर दिखाओ। पहले वो अपनी स्वार्ड को निकालता है, पलक झपकते ही लॉर्ड उस स्वार्ड को इनहांस कर देता है। इसे देखकर लॉर्ड और एल्बर्ट का तो पसीना छूटने लगता है। डियान खुशी से बोलता है, अब हम एक बड़ा सा स्वार्ड बनाएंगे जिसका नाम है स्पेल बाउंड स्वॉर्ड को बनाएंगे। उसकी मदद से कोई भी बंदा मैजिक यूज कर सकता है। यहाँ पर जिसको मैजिक नहीं आता उसके लिए तो ये एक वरदान है। डियान हथौड़ा उठाकर बोलता है, मैं बचपन से मैजिक यूज करना चाहता था लेकिन मैं उतना लेजेंड नहीं था, और इस स्वॉर्ड की मदद से मैं अब मैजिक यूज कर सकता हूँ और मेरे तरह सभी लोगों को यहाँ पर मैजिक यूज करने का अधिकार है, और हम सभी को देंगे ये स्वॉर्ड और हम हमारे राज्यों को एक शक्तिशाली राज्य बना लेंगे। फिर वो लोग काम पे लग जाते हैं। पहले डायन लोहा को पिघलाता है और लॉर्ड अपना इनहांसमेंट करने लगता है, लेकिन वो स्वॉर्ड टूट जाता है। शिल्पा उन सभी का काम छुप छुप कर देख रही थी। दोनों बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन हर बार वो हार ही जाते हैं। लॉर्ड यहाँ पर काफी सारे माना एसेंस को वेस्ट कर चुका था इसलिए वो रुक जाता है, लेकिन डायन उसे मोटिवेट करते हुए बोलता है, तुम्हें माना एसेंस के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, वो बहुत सस्ता होता है। तभी वहां पर ग्रीम आता है और लॉर्ड को बोलता है, ये जो माना एसेंस है ये लो क्वालिटी का है। फोर्थ प्रिंस बोलता है, हाँ ये बहुत ज्यादा सस्ता है। तभी लॉर्ड उसके ऊपर मैजिक यूज करने लगता है और देखता है यहाँ पर हिमाटाइट का कमी है। भी वो सोचने लगता है, क्या मैं फिर से डेंजन में जाऊँ और मॉन्स्टर का कोर ले आऊँ, लेकिन इन सभी को तो शक हो जाएगा मेरे ऊपर। तभी शिल्पा बोलती है, क्या हमें मॉन्स्टर हंट करने के लिए चलना चाहिए, मैं राजा से परमिशन ला चुकी हूँ। फिर वो एडवेन गिल में जाते हैं। लॉर्ड चारों तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो पहली बार आया था यहाँ पर। वहाँ की असिस्टेंट कैटरीना उसे बताती है, आपको यहाँ पर अपना नाम रजिस्टर करवाना है, इस फॉर्म को फिलअप करना है, आप कौन से रैंक के हो, कौन से लेवल को हो, कौन सा मैजिक यूज करते हो, यह सब। वहाँ पर एक क्रिस्टल था जो माना को मेजर कर रहा था। तभी लॉर्ड सोचता है, अगर मेरी माना के बारे में उन सभी को पता चल गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो अपनी माना को रिड्यूस करने लगता है, जितना हो सके उतना रिड्यूस करने लगता है। फिर वो उस क्रिस्टल के अंदर दिखाता है अपना मुंह और उसका लेवल F आता है लेकिन मैजिक A आता है। वहां पर जितने लोग थे वो बोलते हैं, नॉर्मल का तो D आता है लेकिन इसका F आया, कितना गंदा है, लेकिन तुम्हारा मैजिक ए आया है, इसका मतलब तुम उस लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर के आसपास हो। सभी बंदे मजाक उड़ाने लगते हैं, क्या वो ए रैंक वाली लड़की, नहीं, वो उसके आसपास भी नहीं होगा। शिल्पा बोलती है, चलो हमें डेंजन में जाना है। तभी वहाँ के असिस्टेंट बोलती है, नहीं आपको डेंजन में जाने के लिए बी रैंक वाला बंदा चाहिए। तभी वहां पर एक मोटा सा भुंदू सा बंदा आकर बोलता है, तुम वहां क्यों जा रहे हो, इस बच्चे के साथ मेरे साथ चलो ना, मजा आएगा। भी शिल्पा अपनी स्वॉर्ड निकालती है और उसका मुछे काट लेती है। तभी वो लड़की बोलती है, यही तो है सिल्वर स्वॉर्ड, इसका मतलब तुम ही वही लड़की हो। तभी वहां पर ताओ आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शिल्पा बोलती है, नहीं हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। तभी शिल्पा बोलती है, तुम तो कहीं पर गई थी ना। ताओ बोलती है, हाँ मैं लवाटो को बहुत जगह में ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला। लॉर्ड तुम तुम्हारे बड़े भाई से मुझे मिलाओ ना, मेरा सेटिंग करवा दो। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, ये बच्चे के साथ ये ताओ क्यों मिल रही है। तभी शिल्पा बोलती है, मैं यहाँ पर सीख रही थी और सीखते सीखते एक रैंक में पहुंच चुकी थी। फिर वो डेंजन के लिए निकल जाते हैं और उन्हें डेंजन में से कोर ले आते हैं।
फिर हम फोर्थ प्रिंस को देखते हैं जो लॉर्ड का वेट कर रहा था। तभी वहां पर अल्बर्ट आकर बोलता है, बहुत बड़ा मुसीबत हो चुका है, अभी यहाँ पर एक जंग छिड़ने वाला है। फोर्थ प्रिंस बोलता है, नहीं, हमें लॉर्ड का वेट तो करना चाहिए। अल्बर्ट बोलता है, उसका कोई फायदा नहीं, मैं भी चाहता हूँ लेकिन अब वक्त नहीं है। तभी वहां पर लॉर्ड आ जाते हैं अपने पेट के साथ, जिसे देखकर दोनों प्रिंस खुश हो जाते हैं। फिर वो स्वार्ड बनाने लगते हैं, फिर उसे ट्रायल करने के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ पर डेन उस स्वार्ड से ही आग फेंकता है, इसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और डेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है मैजिक यूज करने के बाद। फिर लॉर्ड सोने चला जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। ग्रीम और उसका और एक पेट भी सो रहा होता है, लेकिन तभी लॉर्ड को कुछ महसूस होता है कि गार्डन में कोई तो है, उसका प्रेजेंस मुझे महसूस हो रहा है। लॉर्ड खिड़की के पास जाकर देखता है, वहां पर कोई तो खड़ा था रेड कलर का कोट पहनकर। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। फिर हम देखते हैं एक लड़की रेड कलर की कपड़ा पहनकर कैसल के बाहर खड़ी थी। और उसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए। बाय बाय गाइस।